उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 15 लोगों को पुरस्कृत किया। अन्य लोगों को महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री और राज्य मंत्री समेत अन्य मंत्रीगणों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर धर्मनाथ मिश्र और उस्ताद सखावत हुसैन खान को बेगम अख्तर पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने बताया कि हम सबके लिए प्रसन्नता का क्षण है कि एक साथ इतनी महिलाओं को सम्मानित करने का अवसर मिला है। पुरस्कार के लिए चयन अपने और पराये के आधार पर नहीं बल्कि उनके अपने अपने क्षेत्र में किए गए योगदान के आधार पर किया गया है। साथ ही सीएम ने बताया कि पिछले वर्ष हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में टॉप 10 में जगह बनाने वाले मेधावियों को सम्मानित करने का कार्य भी हमने शुरू कर दिया है। ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि टॉप 10 में शामिल 147 विद्यार्थियों में से 99 सिर्फ बालिकाएं थी। बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। परिवार में बालिका जन्म लेती है तो सबसे पहली टिप्पणी घर की दादी की होती है। ऐसी मानसिकता को बदलना होगा। बालक हो या बालिका, उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भेदभाव खत्म करने को लेकर एक वर्ष के दौरान बहुत काम किया गया है लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। विषमता सिर्फ सरकार खत्म नहीं कर सकती, इसके लिए महिलाओं को भी आगे आना होगा। मुख्यमंत्री ने जिन्हें पुरस्कार दिया उनमें लखनऊ की ज्योति श्रीवास्तव, सिंधु और डॉक्टर ZMS, कुंवर दिव्यांश और महजवी, पुष्पा और तारा, रितिका रीमा सिंह सहित अन्य को भी सम्मानित किया गया। कि एक साथ 147 से अधिक बहनों का यहाँ पर आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान केवल अपने और पराये के अनुसार चुनकर के आई हुई बहने नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और जिनके योगदान से उस समय उस क्षेत्र के लोगों को या समाज को एक नई प्रेरणा प्राप्त हुई है। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।